लेंगे सारा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। अरे हटके बचके सारा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। चुप्पे कोचू, चुप्पे बंदर, और चिपकली और चुंदर, रोज की चिक चिक, रोज की खिटपिट, रोज की चिक चिक, रोज की खिटपिट, दूर करो ये टेंशन। हटके बचके सारा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। पलटन के किरदार है निराले, अरे बुरी नजर ना कोई डाले। हंसना रोना मौज मस्तियां खोल के देखो, दिल की खिड़कियां इसमें है भरपूर मसाले। ढेरों प्यार है सबके दिल में, सरा सरा सी अनबन। हटके बचके सरा संभल के, ये है अपनी पलटन, ये है अपनी पलटन। मेरे पैसे वापस करता है या नहीं? अरे क्यों शर्ट फाड़ रहा है यार, एक ही तो शर्ट है मेरे पास, गलती का टाइम है, पैसे आ जाएंगे दे दूंगा। मोंटी मुझे अभी चाहिए, अभी चाहिए। हाँ ये देख, जितने पैसे आए ना सब तेरे। देख अच्छा, हाँ देख ना। हंसता क्यों तू? कैसे नहीं है, ये क्या, ये क्या? अरे बोला ना नहीं है। मोंटी बहुत हो गया तेरा ये नाच गाना, कल तक अगर मेरे पैसे मुझे नहीं मिले ना तो देख लेना। अरे अरे क्या हुआ अभी, क्यों मारे अपने छोटे भाई को? आंटी देखे ना, मारता है मुझे। क्या बोलो आंटी, लास्ट वीक 200 रुपए लिए थे, अभी तक वापस नहीं किए। अरे 200 तुमसे, 300 तो मुझसे लिए थे। अच्छा, कितनी मुश्किल से अपनी नए ड्रेस के लिए मैंने बचा के रखे थे, कह रहा था कोई इमरजेंसी है। अरे इमरजेंसी इमरजेंसी कुछ नहीं है, पेट में चूहे कूद रहे होंगे। प्लेग का मरीज वो मैं नहीं, कॉकरोच। आंटी जी बोलो तो, बहुत भूख लगी है, पिज्जा खिलाना। आंटी जी भूखे को खाना खिला दिया तो क्या हुआ? और हाँ 300 नहीं 270 लिए थे। हाँ और मेरे 50 वो तो तुम भूल ही गए ना। अच्छा तो तुमने सबसे उधार लिया हुआ है। मोंटी भैया कब लौटोगे मेरे 7 रुपए बारह आना? 7 रुपया बारह आना मारेगा भैया। ना ना ना, ना, ना। ओ, क्या हो गया भाई? अरे डैड, अरे ये आपका घर है कि साहूकारों का अड्डा? क्यों क्यों, एक एक के पैसे चुका दूंगा। कब चुकाएगा काली, आप बता दे। बोल बोल। अरे डैड वो थोड़ा मेरे पॉकेट मनी में से इन लोगों को कुछ एडवांस दे दीजिए ना। क्यों? नहीं तो ये लोग मेरे इज्जत का फालूदा बना देंगे। शर्म नहीं आती तुझे? हट, इतना बड़ा हो गया है पैसे क्या पेड़ में उगते हैं? अरे उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है, अब तू है कि छे। अरे घर में तेरा ये हाल है, बाहर क्या होगा? ऊपर खोपड़ी से लेके एड़ी तक कर्जे में डूबा हुआ है। बेटा बाहर की असली दुनिया में निकल के देख, तब तुझे आटे दाल के भाव को पता लगेगा। डैड असली दुनिया में सब ठीक ठाक होगा। अच्छा हाँ, करोड़ों कमाऊंगा, करोड़ों। कमाएगा कब, मेरे मरने के बाद? अरे डैड शुभ शुभ बोलिए, शुभ शुभ बोलिए, आपके जीते जी कमाऊंगा, खुद कमाऊंगा। हाँ क्या कमाऊं, खुद कमाऊंगा? कैसे कमाएगा? इन सब से उधार लेके? नहीं डैड तो? मैं बॉटलिंग करूंगा। अच्छा चलो तुम्हारी बात मान लेता हूँ मैं, तुम करो नहीं, मुझे 1 रुपया अपनी मेहनत के कमा के दिखा दो। 1 रुपया? बस 1 रुपया। अरे डैड मैं करोड़ कमाऊंगा, एक दिन मेरे पास सब कुछ होगा। आई विल बिकम एन एस मॉडल मोंटी शर्मा बाय अंगोल। ये किस दुनिया में जी रहा है? डियर मेरे सारे फैमिली के लोग, ये जो अपना मोंटी है ना मोंटी, जिंदगी की कुछ सच्चाइयों के बारे में इसे सबक सिखाना होगा। यू नो व्हाट आई मीन? नहीं। अरे हार्ड फैक्ट्स ऑफ लाइफ। अब जब वो घर लौटेगा ना, ये घर उसका घर नहीं होगा, न माँ न भाई न बाप न बहन, ये घर असली दुनिया का एक हिस्सा होगा, समझे? नहीं नहीं नहीं, इधर सुनो मैं क्या बोलता हूँ। हाय रचना। कौन रचना? मैं कोई रचना नहीं हूँ। मजाक मत कर रचना, मैं बहुत टेंशन में हूँ। फिर रचना, मैंने कहा ना यहाँ कोई रचना नहीं रहती, मेरा नाम जूही सोडा वाटर बाटली वाले। तूने पी रखी है क्या? भेड़ी कहेगी। ओ मिस्टर कहाँ जा रहे हो? ए सोडा वाली अपना मुंह बंद कर, वरना सोडा बॉटल लेके ऐसा तेरे सिर पे मारूंगा ना, फिर पता चलेगा मैं कौन हूँ। मैं इस मकान मालिक की बेटी हूँ, बदतमीजी नहीं चलेगी। हाँ
तू चाहती क्या यार? तुम कौन हो? मैं कौन? हाँ तुम वही हो ना? वो कौन है? मेरे डैडी बता रहे थे कि आज एक 18 साल का मॉडल कमरा किराए पर लेने आ रहा है। तुम वही हो ना? ये क्या मजाक है? मजाक मजाक कुछ नहीं, कमरा किराए पर चाहिए तो जाओ के मकान मालिक से बात कर लो। मकान मालिक? ओके। एक फैंसी ड्रेस की तैयारी चल रही है क्या? अरे हो 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 आयो। अरे डैड मुझे नहीं पहचाना आपने? डैड कौन? डैड किसका डैड? किधर का डैड? ओ मिस्टर मकान मालिक, क्या चल रहा है? छोटा वाटर बटली वाला। ओके छोटा वाटर बटली वाला। ये कोई ना हुआ? ओके सोडा वाटर बटली वाला। ओके ओंकार। ओके सोडा वाटर बटली वाला। ओके हाय आई एम मोंटी, मोंटी शर्मा। नाइस मीटिंग यू डॉक्टर शर्मा। डॉक्टर शर्मा इधर ही रहता था। अब किधर रहते? वो क्या है, सिगार पीने वालों का यही हाल होता है। डॉक्टर शर्मा अच्छा आदमी था, वो सिगार नहीं पीता था। अच्छा आदमी था, सिगार नहीं पीता था। अरे उल्टे सीधे सूट पहनते थे, सिगार भी पीते थे और हम बच्चों को पॉकेट मनी भी कम देते थे। हाँ भगवान है ना भगवान, उनकी आत्मा को थोड़ी सी अक्कल दे। अरे आदमी आत्मा के लिए शांति मांगता है। हाँ। तुम अक्ल मांगता? हाँ। क्यूरियस बॉय। अरे बाबा जी जिनके पास शांति नहीं होती ना वो शांति मांगते, सब नहीं। ठीक है ठीक है। फिर भी तुम्हारे डैड ने, तुम्हारे बाप ने ये ₹50,000 तुम्हारे लिए दिया है और ये बोला उसकी तरफ से तुम्हारे यहाँ जिम्मेदारी खत्म। Now start your new life, begin। जिम्मेदारी खत्म? पर ये तो नकली नोट है। बेटा हमारा असली दुनिया में ऐसा ही नोट चलता है। चलता है? हाँ चलता है। Okay. तुम तुम्हारा कमरा देखना मांगता है। Yes. कमरा दिखाता है। चलो। ओम। ये राम भरोसे होटल ये हमारा हमारा। खुदी मालकिन, खुदी कुक, खुदी वेटर, खुद खाती खुद पकाती खुद खिलाती खुद खाती। एकदम घर का माफिक करना है। तुमको जो चाहो वो खिलाएगा, अभी खाएगा। बैठो 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 बैठो। क्या मजाक है आंटी जी, आप भी? या आंटी आंटी क्या कर रहे हैं? ओह आई एम सॉरी, पलक झपकते सारी दुनिया ही बदल गई। और देख रहा दुनिया ऐसे घड़ी घड़ी बदलता है। दिमाग का दही हो जाता है। दही दही खाया कभी? दही अभी खाएगा, सिर्फ 5 रुपए प्लेट। आज प्लेट 5? माय गॉड। ए लाजवंती इसको रूम दिखा के आता है। अच्छा अच्छा जा कर दे। आपका खाना इधर ही खाने को आना। देख रहा देख रहा हूँ मेरे वांटू रेंट आउट। क्या हालत हो गया मेरे रूम का? सत्यनाश कर दिया मेरे कमरे का डैडी आपने। वो खड़ी खड़ी तुम डैडी डैडी क्या बोलता है? तुम्हारे बाप का कमरा ही नहीं। I'm sorry मिस्टर शर्मा, I'm very sorry। वो क्या है वो पेपर में आ गया था, तुम पलटा कि नहीं पलटा? ऊपर साफ साफ लिखा था अनफर्निश्ड रूम मिलेगा, फर्नीचर तुमको लाना मांगता है, तुमको कमरा मांगता है कि नहीं? ओके मिस्टर सोडा वाले। ओके सोडा वाटर बाटली वाला। हां हां समझा नहीं? मैं कुछ कुछ समझ रहा हूं। समझा ना? गुड वेरी गुड बॉय। नाउ 10 मंथ्स रेंट ऑफ एवरी मंथ एंड 4 मंथ्स रेंट इन एडवांस 40,000। 4 मंथ्स एडवांस 40,000? 40,000 नहीं, जल्दी करो दिखा। माय गॉड जल्दी करो। 40,000 गिन लो। जिंदा नहीं आने बाबा जी, लोग बिलीव ही नहीं हो तुम मिस्टर शर्मा का असली बेटा है। गुड गुड वेरी गुड। नाउ यू ब्रिंग रेफरेंस 1 एट लीस्ट। रेफरेंस? अरे तुम कहीं नौकरी करता है, कहीं काम करता है कि नहीं करता है? अभी तो नहीं करता। अरे बाप रे, लेकिन मिल जाएगी क्या? मैं बहुत बड़ा मॉडल बनने वाला हूँ। हाँ देखो देख रहा, तुम मॉडल बनो या मेरे जैसे कार्टून, दैट इज नॉट माय कंसर्न। आई वांट रेफरेंस। तो रेफरेंस रेफरेंस लाना मांगता है। रेफरेंस मांगता है? मांगता है। कहाँ से मिलेगा अभी रेफरेंस? ये दिख रहा तुमको रूम भी देगा रेफरेंस भी देगा, तुम समझा क्या? व्हाट डू थिंक ऑफ मी? बट यू आर लकी। लकी? ए बाजू वाला काम है ही नहीं। हां और मैंने मॉडल एजेंसी को दिया है, तुम यू कैन ट्राई योर लक। या चांस लो। यो लेकिन देख रहा है नो, हाफ एन आवर फ्रॉम दिस टाइम इफ यू डोंट कम बैक आई विल गिव दिस रूम टू समबडी एल्स। इट्स अ लॉन्ग क्यू हियर। ओके 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 सोडा वाटर बाटली वाला। एक्सक्यूज मी। यस। ओह मिस जी।
सोडा और बोतल वाला चीनी। आई थिंक यू मिस्टेकन, मैं हूँ रिसेप्शनिस्ट हूँ, मैं हेल्प यू। वो मुझे मिस्टर सोडा बॉटल, सोडा वाटर जो भी उसका नाम है उसने भेजा है। मैं मालूम बनना चाहता हूँ। एक्सक्यूज मी मैडम, जा। यस, बाहर एक लड़का है, कहता है मॉडल बनना चाहता है। दिखने में कैसा है? इज ही गुड लुकिंग? ओके, यू सी सिनेमन। ऑलराइट, आप अंदर जा सकते हैं। थैंक यू। हेलो मैडम, आपको मॉडलिंग का कोई एक्सपीरियंस है? एक्सपीरियंस तो नहीं है, पर मैं दिखता है एकदम हैंडसम हूँ। आप कितने हैंडसम दिखते हैं वो तो मैं देख ही रही हूँ। मान लो आप एक मेंस सूटिंग के लिए मॉडलिंग कर रहे हो। इमेजिन यू लीडिंग ऑन योर स्पोर्ट्स कार, गो अहेड पोज। नाइस। अब आप एक रिच बिजनेसमैन हैं जिनके यहाँ एक बेटा पैदा हुआ है। बेटा? Hello, my little one. Kuchi, kuchi. Hello. Yeah. Good, good. Portfolio? Pictures? Portfolio? Yes, honey. Portfolio, photographs. Client को दिखाना पड़ता है। आप modeling करने जा रहे हैं और अब तक आपके पास portfolio नहीं? ये portfolio बनाने में खर्चा कितना होगा? 15,000. Take it or leave it. मेरे पास तो इतने पैसे हैं नहीं अभी। आप एक गारंटी लेटर दे दीजिए ना प्लीज। आउट, गेट आउट, यहाँ कटकों के लिए कोई जगह नहीं है। सेक्रेटरी, सेट हिम आउट, कम ऑन, गो आउट। अभी मैडम की बात नहीं सुनी? दिख रहा है तुमको गारंटी मिला कि नहीं बाबा? वेरी बैड। देखो दिखना, मेरा पार्सल नहीं मिला, तुमको पैसा मांगता है। इधर हमारा कुर्सी हाथ कुर्सी हो गया वाला। ये देखो, हमको तुमको बिल्कुल रूम मांगता है कि नहीं? हाँ मांगता है। आप प्लीज मेरा रूम होल्ड कीजिए प्लीज। मैं अब भी गया और आपके लिए गारंटर लाया। प्लीज मेरा देखो, 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 शट अप दिखना। अभी देखो नॉर्मल सी में हम कोई होल्ड ऑन नहीं करता बाबा, लेकिन हम एबनॉर्मल है, तुम्हारे लिए रूम होल्ड करेगा। लेकिन तुम डॉक्टर शर्मा का असली पुत्र है नहीं? हाँ। गुड गुड, अब होल्ड करेगा। कुछ भी बोलो डैड, आपकी असली दुनिया वाले प्लान में बहुत मजा आ रहा है ना? फोड़ने वाला। फोड़ने वाला? टेररिस्ट है क्या तुम बाबा? तुमको टेररिस्ट डिस्ट्रक्टिव लगता है? नहीं बाबा, एकदम जानू माने छु। अच्छा अच्छा, तुम हमारा दूर का रिश्तेदार लगता है। समझो नहीं बाबा, समझो नहीं। आपको रेफरेंस चाहिए था ना? देखिए, मैं आपके लिए जिंदा रेफरेंस लाया हूँ। ये तुम्हारा बॉस है क्या? नहीं। अरे बाबा, हमारा तेल का बिजनेस है जो नहीं, हमारा कार जो नहीं। कॉकरोच ऑयल, ऑयल बनाता है, कॉकरोच मारता है। ठीक रहा, तुम बोला तुम मॉडलिंग करते हो, तुम तो ऑयल का धंधा करते हो। हाँ, मैं मॉडलिंग तो करता हूँ। अरे कॉकरोच ऑयल के सभी प्रोडक्ट्स के लिए मैं मॉडलिंग करता हूँ। हाँ। तब तो तुम्हारा माल बहुत बिकता होगा। नहीं, अरे बहुत बहुत बिकता, हमारा बहुत मजानो धंधो छे बाबा। देखिए देखिए, मैं कुछ कहूंगा इस आदमी के बारे में। बोलिए। इज वेरी रिस्पॉन्सिबल एंड वेरी हार्ड वर्किंग मैन। इनफैक्ट अगर ये नहीं होते तो कॉकरोच ऑयल हिंदुस्तान की सबसे बड़ी कंपनी में से नहीं होती। अच्छा, वेरी गुड। तुम इसको सर्टिफिकेट देता नहीं? हम इसको रूम देता है। रूम देता है? रूम देता है? कमरा मिल गया। आई रेड दैट, आपके टेस्ट में पास हो गया। चलिए फर्नीचर लगवाइए ना प्लीज। प्लीज डैड, प्लीज फर्नीचर लगाइए। ठीक है, तुमको डैडी डैडी क्या बोलता है? तुम्हारा मम्मी गुस्सा करेगा नहीं? समझाओ ना इसको। कम ऑन डैड, ये मेरी टेस्ट ही ना, मैं अपने आप एक कमरा ले सकता हूँ ना। नथिंग डूइंग, मुझे मेरे डैडी से मिलवाइए प्लीज अभी। अभी देखो, तुम हाल का डंडा कट्टा, रूम का डंडा कट्टा, ये हमको डैडी बुलाने के लिए बोलता है। डैडी कहाँ से लाएगा भाई? फिर भी अच्छा लड़का है, तुमने सर्टिफिकेट दिया, हम इसके लिए ट्राई करेगा, हम इसका डैडी खोजेगा। ठीक है, हम आता है। ला 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 ला। अरे बेटा क्या बात है? अरे वो सोडा वाटर बाकी वाला पता नहीं क्या नाम है उनका, उन्होंने कहा तुम मुझसे मिलना चाहते हो, एनी प्राउड। अरे मिस्टर रोज, आप भी हैं यहां? गुड गुड। हां बोलो, क्या बात है? क्या मजाक है ये? कब तक चलेगा ये नाटक डैड?
ब्रेक करो प्लीज। बेटा असली दुनिया होती है, वहां कोई ब्रेक नहीं होता। असली दुनिया का कोई काम रुकता नहीं, पर हाँ तुम्हारे लिए डिस्काउंट है 24 आवर्स। और इन 24 घंटों में मुझे क्या करना होगा? क्या करना होगा? जो असली दुनिया में लोग करते हैं वही करना होगा। अपने कमरे का क्या हाल बना रखा है, कोई फर्नीचर लाते क्यों नहीं? कहां से मिलेगा ये फर्नीचर? वो लाजवंती ने, लाजवंती उसके राम भरोसे होटल के ठीक ऑपोजिट इस शहर का सबसे बड़ा फर्नीचर स्टोर है। तुम आ जाओ, जो भी फर्नीचर तुम्हें मिलेगा तुम्हारे टेस्ट का होगा। जाओ कैरी आउट, अभी जा रहे साथ में। ऑल द बेस्ट। कैसे आ गया? लाजवंती, हमारा नाम लाजवंती नहीं है, हमारा नाम मारिया डिकोस्टा है। ये हमारा फर्नीचर शॉप है, मारिया फर्नीचर शॉप। चलो बोलो क्या चाहिए, इधर हमारा टाइम का खोटी नहीं करने का, चलो जल्दी बोलो। आपके शॉप में जो कुछ भी है ना वो सब मेरा है, मुझे सब कुछ चाहिए। आई वांट एवरीथिंग, ओके? ओह लवली, हम तो सारा सामान बेचने को इधर खड़ा है। ये देखो, ये टेबल कुर्सी सब मिला के होता है 80,000 रुपीज। लेकिन हमको तुम्हारा ये थोड़ा बहुत पसंद आया, बिल्कुल हमारे बेटे के माफिक लगता है, इसलिए हम तुमको डिस्काउंट देता है 75,000 कैश। 75,000 रुपीज कैश? अब भी डन कर दो, चलो जल्दी जल्दी। मेरे पास सिर्फ 10,000 है मम्मी, पूरा घर को फर्निश करना है, मैं इतने पैसे कहाँ से लाऊंगा मम्मी? तो हमसे एडवाइस लेने को आया कि फर्नीचर? हाँ, बाहर की दुनिया में होता ना दूसरे शॉप में चला जाता। तो चल फोर्ट, तो आपके असली दुनिया में कहाँ जाऊँ, मेरे पास पैसे भी तो नहीं है इतने। अच्छा पैसे नहीं है तेरे पास, तो क्रेडिट कार्ड तो होगा, वो भी चलेगा। चल दे निकाल, देख क्रेडिट कार्ड। हाँ? नहीं है। क्रेडिट कार्ड भी नहीं है? तू तो एकदम कड़का निकला रे। अच्छा किसी बैंक में जाके लोन तो ले सकता है कि नहीं? बैंक जा, किसी अच्छे बैंक में जाके लोन लेके आ, फिर आ। और ये बैंक का एड्रेस? अरे अब मत बोलना ये बाजू वाले कमरे में। तुमको कैसे मालूम, उधर ही तो है। अब सबको देख लूंगा, चल कॉकरोच जल्दी वापस आ, नहीं तो सारा फर्नीचर बेच डालूंगी। पता नहीं कहां पर होगा ये बैंक, कौन से कमरे में जाके ढूंढना पड़ेगा। तेरा वैंग छोड़ यार, पहले कुछ खा लेते हैं, बहुत भूख लगी है यार। क्यों भूखे मर रहे हो, खाना खा लो। अरे सोनिया तुम कितनी अच्छी हो, और तुम मेरी सौतेली बहन हो, और वो रचना मेरी असली बहन होकर भी खड़ूस थी, खड़ूस। हाँ। असली खड़ूस। और कुछ चाहिए? ए मेरे लिए आइसक्रीम लाना, और मेरे लिए एक कोल्ड ड्रिंक, यू नो लेमनेड। पहले ये बिल भर दो फिर मैं लाती। वेट अ मिनट, ये क्या हो रहा है? क्या है, क्या क्या हो रहा है? तुम लाजवंती रेस्टोरेंट में खाना खा रहे हो। मैं संजय, तुम सोनिया हो? मैं सोनिया, लाजवंती की बेटी, सोडा वाटर बाटली वाला। हटा ये खाना, नहीं खाना हमें यहाँ पे। तेरे फैमिली में भी अच्छे जोक्स होते हैं यार, पर मुझे भूख लगी है मेरे भाई। तेरे पास पैसे हैं? पर तेरे पास तो है ना पैसे? होंगे मेरे पास, पर वो फर्नीचर खरीदने के लिए, फोन लेने के लिए, मॉडल बनने के लिए, बहुत सारी चीजें लेने के लिए, और तुझे अपने खाने की पड़ी है, लाला से तेरी दोस्ती पे। खाना भी खाते रहना चाहिए भाई मेरे, भूखा मर गया ना तो उन सब चीजों की कोई वैल्यू नहीं है। खाने की चोट, चल अभी बैंक, चल 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 यार, भूखा मर गया यार, तू समझा कर बात को यार, चल खा लेते हैं, कम ऑन यार। लोन एप्लीकेशन कब तक मैं पास होगा? मिस्टर धोती वाला, आपको ये जानकर खुशी होगी कि मैडम बंदूक वाला ने आपका लोन एप्लीकेशन पास कर दिया है। आह दादा सुनते हो, आपका बहुत धन्यवाद, आपका मेहरबानी सम्राट। तो छोटा सा घर हो जाएगा, ओकरा सामने छोटा सा बगिया होगा, ओकरा में छोटा 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 पेड़ पौधा होगा। हैं? तो और क्या होगा? इतना हम लोगों का घर में जाकर बताइए। आपका फिर से धन्यवाद देता हूँ जी। धन्यवाद आप मेरा नहीं, प्रेसिडेंट साहिबा का कीजिए, उन्होंने तो आपका लोन पास किया है। मैडम बंदूक वाला। अच्छा अच्छा, धन्यवाद, चलो चलो। मैडम बंदूक जी प्रणाम, आपका बहुत धन्यवाद है जो हम लोग का लोन पास कर दिए। इट्स ओके। हम आपको फिर से एक बार धन्यवाद देना चाहता हूँ, बहुत मेहरबानी किया। मुझे बहुत काम है, आउट। बाय। हेलो मिस्टर धोती वाला। धोती नहीं देखा का कब हूँ, बात करता है। देखिए
आप लोग यहाँ शांत रहिए, ये बैंक है कोई पार्क नहीं। देख रचना तू, देखिए 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 मैडम, मैं हिंदुस्तान की सबसे बड़ी मल्टीनेशनल कंपनी कॉकरोच ऑयल लिमिटेड का प्रेसिडेंट और मालिक हूँ। कॉकरोच ऑयल, ये किस कंपनी का नाम है? इसका प्रोडक्शन हर ऑयल से ज्यादा है मैडम, सिर्फ इसलिए कि कॉकरोच ऑयल हर काम में आता है। इसके लगाने से बाल काले और घने होते हैं, खाने से सेहत बनती है मैडम। कहाँ है आपकी ये कंपनी? नरीमन पॉइंट, बॉम्बे की सबसे कीमती एरिया में हमारा 50 मंजिल का बिल्डिंग है, 50 स्टोरी, यू नो। 50 मंजिल का? हाँ, और ये नौजवान न सिर्फ मेरी कंपनी में बल्कि मेरी ऑफिस में अकाउंटेंट की हैसियत से काम करता है मैडम। तो ठीक है, आप मुझे अपना नंबर बताइए, मैं अभी चेक कर लेती हूँ। बात ये है ना कि हमारी कंपनी के आजकल सारे फोन डेड चल रहे हैं, I'm really sorry मैडम। सभी फोन एक साथ? वो क्या है ना कि अकाउंटेंट की गड़बड़ी से सारे फोन का कनेक्शन कट गया है मैडम। और ये आपके अकाउंटेंट हैं? मुझे तो सब गड़बड़ लग रहा है मिस्टर कॉकरोच ऑयल। एनीवे, आपने पहले कभी लोन लिया है? नहीं। तो फिर इस वक्त आप अपने इस बॉस कॉकरोच ऑयल से ही लोन ले लीजिए। आप इसे भूल जाइए, इस वक्त मुझे लोन की सख्त जरूरत है, प्लीज। तो ठीक है, आप जाकर मैडम बंदूक वाला से बात कर लीजिए, अगर वहां से परमिशन मिल गई तो इट्स ओके विद मी। बंदूक वाला? यस प्रेसिडेंट साहिबा, हमें लोन चाहिए। तुम दोनों शक्ल से ही चालबाज लगते हो, हम तुम्हें लोन देने का रिस्क बिल्कुल नहीं ले सकते। ये नाटक खत्म होने दे मिनी, फिर तुझे भी देख लूंगा। आउट, गेट आउट। गुड इवनिंग बेटे। हेलो मिस्टर सोनावाले। हेलो लाजवंती जी। लाजवंती? या मारिया डिकोस्टा को हूँ। अरे बेटा, हम तुम्हारे मम्मी डैडी हैं, पहचाना नहीं हमें? पता नहीं यहाँ पर कौन कौन है, मुझे तो ये भी नहीं पता कि मैं कौन हूँ। मुझे तो ऐसा लग रहा है कि मेरा नाम गड़बड़ घोटाले वाला है। अरे मोंटी बेटे, तुम्हें क्या हो गया है? तुम हमारे मोंटी हो, मोंटी। मोंटी? कौन मोंटी? भूख के मरे मेरी जान जा रही है, आपको मेरी इतनी फिक्र नहीं? फिक्र है बेटे, इसलिए तो हम तुम्हारे लिए ये रोटी और सब्जी लाए हैं। रोटी और सब्जी? क्यों बेटे, कैसी लगी हमारी असली दुनिया? बहुत अलग है माँ, बहुत मुश्किल है इसी दुनिया में जीना। फिर भी जीना पड़ता है बेटे, सारी मुश्किलों समस्याओं का सामना करके भी जीना पड़ता है, इसी का नाम तो जिंदगी है, जीना यहाँ मरना यहाँ। तुमने कभी सोचा है बेटा, हमें कितनी मुश्किलों का सामना करना पड़ता है, तुम सबके लिए कितनी मुश्किल से पैसे जुटाने पड़ते हैं, और उन्हीं पैसों से तुम सब राजा और महाराजाओं की तरह जीना चाहते हो। बेटे, तुमसे मैंने सिर्फ 1 रुपया कमाने के लिए कहा था, तुम तो भूखे पेट ही सो गए। I'm sorry, Dad. मैंने इस एंगल से कभी सोचा ही नहीं। चलो अच्छा हुआ, इस तमाशे से तुमने कुछ तो सीख लिया। बहुत कुछ सीखा माँ, बहुत कुछ सीखा। पता है, मैं जब भी बाहर की असली दुनिया में जाऊंगा, इस फैमिली के कोई भी मेंबर के साथ कभी बिजनेस नहीं करूंगा। ओके सोडा वाटर बाटली वाला मारिया लाजवंती डिकोस्टा के साथ भी नहीं? आ, 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 आ,